हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विकी प्लीज। आपका ही चैनल है। आज हम आए हैं सोनभद्र विजिट पे। विश्व का अजूबा एवं हिंदुस्तान का अमूल्य धरोहर फॉसिल्स, यहाँ पे आप जूम करिए, 1.5 करोड़ वर्ष पुराना है। यहाँ पे जो जीवाश्म है वो लगभग डेढ़ करोड़ वर्ष पुराना है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति जहाँ से स्टार्ट हुई है, और सारे जो जीवाश्म जैसे कि राइनासोरस, डायनासोरस और भी जितनी बड़ी प्रजातियाँ थी वो विलुप्ति के कगार पे गई। धरती ने प्रलय का रूप धारण किया उसके बाद। और ये पूरा एरिया है, इसके अंदर जो काले पत्थर दिख रहे हैं वही है फॉसिल्स। अभी फिलहाल ये बंद है। हम एंट्री हो चुके हैं, गेट खुल चुका है। भैया आपका नाम क्या है? छोटे लाल भैया के साथ हैं, जो हमारे यहाँ के लोकल विजिटर हैं। और हाय कर दीजिए आप एक बार हमारे चैनल के माध्यम से। हाय। आपका नाम क्या है? छोटे लाल। इस जगह के बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? इस जगह पे काफी करोड़ वर्ष पुराना है। जिसमें कि यहाँ पहले समुद्री स्थल था। इसमें कई जीवों मतलब कि मिल करके इकट्ठा जगह पे मतलब कि दब गए थे। उस समय पानी बहुत काफी था। सूखते बहुत मतलब कि काफी समय लगा। इसके बाद जब पानी हल्का नीचे हुआ तो ये सब ऊपर आया, बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आया। और पहले बहुत नॉर्मल था, ऐसे टोने पे गिज गिज करता था। लेकिन करोड़ों वर्ष तक जब तक ये रह गया तब तक एकदम पूरा सूख के पत्थर हो गया। और तो यह जगह 150 करोड़ वर्ष पुराना है, और पूरा का पूरा ये जीवाश्म है। ये धरती के अंदर दबे हुए जीवों का जीवाश्म है। आप अंदर आइए, ये जो जगह है ये डायनासोरस, कैमरा थोड़ा ऊपर लेंगे तो पूरा व्यू आएगा। और ये जो है, ये जो जगह आकृति बनी हुई है, यहाँ पे उनके स्पाइक हुआ करते थे। स्पाइक मतलब कांटेनुमा आकृति हुआ करती थी, जो अब ये पूरी तरीके से इलाका समुद्र के लहर के अंदर डूब चुका था। और ये हम लोग देख रहे हैं, और इसके ऊपर से मैं चढ़ के जाने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप व्यू दिखा दीजिए पूरा चारों तरफ से। इधर देखिए, ये पूरा ये जीवाश्म है, ये कोयले में, अगर ये कुछ करोड़ वर्ष और रहेगा तो ये कोयला बन जाएगा पूरी तरीके से। फिलहाल यहाँ पे कोई भी संरक्षण है नहीं सरकार का। सरकार से हम दरख्वास्त करेंगे ऐसे जगहों को संरक्षण दे, और जो यहाँ के लोकल विजिटर हैं और जो गाइड हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें, उनके लिए कुछ फंडिंग की व्यवस्था कराएं। और फिलहाल पूरा इलाका जो है बैरकोडिंग की गई है, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता बिना इनके परमिशन के। और ये आप देख रहे हैं, ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई जानवर इस धरोहर के अंदर दबा हुआ है। इधर इनके आइए विजिटर के साथ, ये हमें दिखाएंगी और भी चीज़ें। फिलहाल बारिश का माहौल है, फिर भी वो विस्टर जो है हमारे काफी मेहनत कर रहे हैं। इसको देखिए, डायनासोर का मतलब कि अंश माना जाता है, पूंछ करके है, इधर मुंह करके है। इसको हाथी माना जाता है, देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक मतलब कि इसको पूंछ रख लीजिए, सब चार पैर है और उधर सूंड है, मुंह है, इसको हाथी कहते हैं। जी। और वो जो है उसको हम मतलब कि डायनासोर का अंश मानते हैं कि ये डायनासोर है। हम यहाँ से इसको मिलाएंगे तो एकदम फिट दिखाई देता है कि जैसे डायनासोर। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। और ये पैर हुआ करते थे, ये सूंड हुआ करते थे, ये सारी चीजें जो है आप लोग जब मैपिंग करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल अभी ये चीजें ध्वस्त हो चुकी है। तो आप लोग अगर सोनभद्र विजिट पे आ रहे हैं तो फॉसिल्स, भैया फॉसिल्स किस जगह पे है? ये सलखन फॉसिल्स यहाँ पे। और ये देखिए पैर का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये पैर का जो है फीमर जो बोन होता है यहीं से निकलता था, ये जॉइंट है उसका, ये इधर जाता था। फिलहाल अभी वो टूट चुका है, तो आपको आकृति समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ पे लाइव आएंगे तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। तो आप लोगों से निवेदन है, विकी प्लीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हम और भी नई चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे, और आप लोग आगे भी फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू सो मच।